बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने करैक्टर इनपुट आउटपुट फंक्शन की डिटेल्स आपसे शेयर की थी। आज के लेक्चर में हम स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट फंक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये इसकी डेफिनेशन देखिए। द स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट फंक्शन इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू राइट मल्टीपल कैरेक्टर्स एट अ टाइम इन अ फाइल और वी वांट टू रीड मल्टीपल कैरेक्टर्स एट अ टाइम फ्रॉम अ फाइल, यानी जब कभी भी हम हार्ड डिस्क में रखी किसी फाइल में बैक वक्त ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को रीड करना चाहें, तो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को हम स्ट्रिंग भी कहते हैं। तो जब कभी भी आप फाइल में से स्ट्रिंग को रीड करना चाहें या फिर फाइल में से स्ट्रिंग को यानी मल्टीपल कैरेक्टर्स को एक साथ राइट करना चाहें, तो फिर हम स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट फंक्शंस को यूज करते हैं। और डियर फ्रेंड्स, स्ट्रिंग को हम पहले भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं डेटा टाइप के टॉपिक में, यानी जिस तरह चार डेटा टाइप होती है सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए, इसी तरह स्ट्रिंग डेटा टाइप मल्टीपल कैरेक्टर्स को एक साथ स्टोर करने के लिए यूज की जाती है। और इस तरह से दोस्तों आप स्ट्रिंग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, यानी यहाँ डेटा टाइप तो आप चार ही लिखेंगे, यानी इस तरह से आप डेटा टाइप तो यहाँ चार ही लिखेंगे, लेकिन स्ट्रिंग वेरिएबल के बाद क्योंकि आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिए हैं, इस तरह से आप चार डेटा टाइप लिखेंगे, स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम देंगे और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाने की वजह से अब ये एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल कहलाएगा। और क्योंकि हमने इन स्क्वायर ब्रैकेट्स में 11 लिखा है, तो अब आप इस str वेरिएबल में 11 तक के कैरेक्टर्स को एक साथ स्टोर करवा सकते हैं इस तरह से। अब दोस्तों जब आप स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं तो क्या होता है, कंपाइलर क्या करता है? दोस्तों कंपाइलर मेमोरी में एक ब्लॉक बना देता है जिसमें आपके स्ट्रिंग की लेंथ के हिसाब से मेमोरी लोकेशन असाइन की जाती है। मिसाल के तौर पर अभी आपने स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें आपने स्ट्रिंग की लेंथ बताई है 11, तो अब ये मेमोरी में एक ब्लॉक बना देगा str नाम से और इस ब्लॉक को 0 से लेकर 10 यानी 11 मेमोरी लोकेशंस असाइन कर देगा। और याद रखिए दोस्तों, हमेशा ये मेमोरी लोकेशंस जो हैं वो 0 से असाइन करता है, 0 से स्टार्ट करता है और जो लेंथ आपने स्ट्रिंग को दी है उसमें एक कम पर स्टॉप करता है। जैसे हमने यहाँ स्ट्रिंग की लेंथ 11 दी थी, तो अब ये 0 से स्टार्ट करेगा और 10 पर स्टॉप कर देगा, यानी 0 से 10 मेमोरी लोकेशन इस str वेरिएबल को असाइन कर देगा। और अब जब आप इस स्ट्रिंग वेरिएबल में ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर करवाएंगे, जैसे ये जब आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे, तो कंपाइलर आपका मेमोरी में एक ब्लॉक बना देगा जिसका नाम str रख देगा और उसको 0 से लेकर 10 लोकेशन असाइन कर देगा, क्योंकि 0 भी इसमें ऐड होगा, तो इसकी वजह से ये 11 लोकेशंस ही होंगी, लेकिन 0 ऐड होने की वजह से 10 पर स्टॉप कर देगा। अब दोस्तों जब आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे str और उसके बाद आप इसके अंदर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स स्टोर करवाएंगे, तो अब ये हर एक कैरेक्टर को एक मेमोरी लोकेशन दे देगा इस तरह से, यानी आपका ये जो हेलो वर्ल्ड है अब इस तरह से मेमोरी के अंदर प्लेस होगा। अब जब आपका स्ट्रिंग इस मेमोरी ब्लॉक में आ जाएगा, तो आखिर में ये नल वैल्यू यानी \0 खुद से ऐड कर देगा इस तरह से, जो कि कंपाइलर को बताएगा कि अब स्ट्रिंग एंड हो चुका है। यानी जैसे ही आपका कंपाइलर इस \0 को देखेगा, वो समझ जाएगा कि आप अपना स्ट्रिंग एंटर कर चुके हैं, आपका स्ट्रिंग जो है वो मुकम्मल हो चुका है। तो दोस्तों ये था स्ट्रिंग को क्लियर और डिफाइन करने का तरीका। अब आइए दोबारा से स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट फंक्शन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये तो आप जानते हैं कि स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट फंक्शन फाइल में से स्ट्रिंग को रीड करने के लिए और फाइल में स्ट्रिंग को राइट करने के लिए यूज किए जाते हैं। और जिस तरह करेक्टर आयो फंक्शन दो तरह के होते हैं, वैसे ही स्ट्रिंग आयो फंक्शन की भी दो टाइप्स होती हैं, एफ गेट एस फंक्शन और एफ पुट एस फंक्शन। आइए इनको बारी बारी डिटेल में पढ़ते हैं। एफ गेट एस फंक्शन, दोस्तों एफ गेट एस फंक्शन फाइल में से स्ट्रिंग को रीड करने के लिए, ये कहने के फाइल में से स्ट्रिंग को निकालने के लिए यूज किया जाता है। ये इसकी डेफिनेशन भी देखिए, द एफ गेट एस फंक्शन आर यूज्ड टू गेट रीड स्ट्रिंग इन टू द फाइल। और डियर फ्रेंड्स ये इसका सिंटेक्स देखिए, आप सबसे पहले लिखेंगे एफ गेट एस, उसके बाद पैरेंथेसिस और पैरेंथेसिस के अंदर आप सबसे पहले लिखेंगे स्ट्रिंग वेरिएबल को, उसके बाद इंट वैल्यू को और आखिर में फाइल पॉइंटर को। तो दोस्तों ये जो एफ गेट एस फंक्शन है ये करता क्या है, ये स्ट्रिंग को फाइल में से निकाल कर लाता है। तो जिस तरह एफ गेट सी फंक्शन सिंगल करेक्टर को फाइल में से निकाल कर लाता था और उस करेक्टर को हम एक वेरिएबल में स्टोर करवाते थे
ऐसे ही f getters फंक्शन क्योंकि स्ट्रिंग को फाइल में से निकाल कर लाता है, तो उस स्ट्रिंग को रखने के लिए भी तो हमारे पास कोई वेरिएबल होना चाहिए। और जिस तरह चार को रखने के लिए, यानी करेक्टर को रखने के लिए हमारे पास चार वेरिएबल था, हमें चार वेरिएबल रिक्वायर्ड था, ऐसे ही स्ट्रिंग को रखने के लिए हमें स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल रिक्वायर्ड होगा। तो दोस्तों यहाँ एफ गेटर्स फंक्शन में जो हमारा पहला पैरामीटर होगा वो ये स्ट्रिंग वेरिएबल होगा जिसमें हम फाइल से आने वाले स्ट्रिंग को रखेंगे। और दोस्तों ये स्ट्रिंग वेरिएबल कंटेन करता है वो जो मेमोरी ब्लॉक आपके कंपाइलर ने आपको असाइन किया है उसके पहले एड्रेस को। इसके बाद जो दूसरी चीज आपको एफ गेटर्स फंक्शन को बतानी है वो ये है कि कितना डेटा, यानी कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप एक वक्त में फाइल में से रीड करना चाहते हैं। तो यहाँ आपको वो इंटीजर वैल्यू भी डिफाइन करनी होगी, यानी जो सेकंड पैरामीटर होगा एफ गेटर्स फंक्शन का वो होगी एक इंटीजर वैल्यू। मिसाल के तौर पर दोस्तों आप 6 कैरेक्टर्स को एक वक्त में फाइल में से रीड करना चाहते हैं तो यहाँ आप सेकंड पैरामीटर लिखेंगे 6। अब दोस्तों आपने एफ गेटर्स फंक्शन को ये भी बता दिया कि किस स्ट्रिंग वेरिएबल में डेटा को लाकर रखना है, साथ के साथ लिमिट भी बता दी कि कितना डेटा आपको एक वक्त में लेकर आना है। लेकिन दोस्तों आपने ये तो बताया ही नहीं कि किस फाइल में से डेटा आप रीड करना चाहते हैं, और इसके लिए जो थर्ड पैरामीटर आप एफ गेटर्स फंक्शन को बताएंगे वो होगा फाइल पॉइंटर। और आप जानते हैं कि फाइल पॉइंटर दरअसल उस फाइल को पॉइंट कर रहा होता है जिस पर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं, जिसको आप हार्ड डिस्क में से लेकर आना चाहते हैं। तो इस तरह दोस्तों एफ गेटर्स फंक्शन के थ्रू आप फाइल में से स्ट्रिंग को रीड करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए कि ये जो एफ गेटर्स फंक्शन है ये तब नल रिटर्न करता है अगर आप पूरी फाइल रीड कर चुके होते हैं, यानी जैसे ही आप पूरी फाइल रीड कर लेते हैं तो फिर ये एफ गेटर्स फंक्शन जो है ये आपको नल वैल्यू रिटर्न करेगा। अब आइए एक प्रोग्राम के थ्रू इसको मजीद डिटेल में समझते हैं। दोस्तों ये आपके सामने एक फाइल है maktab.txt जिसके अंदर लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, और अब हम इसको रीड करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम कैरेक्टर आयो फंक्शन को भी यूज कर सकते थे जो कि सिंगल कैरेक्टर को रीड करता, लेकिन अब हम स्ट्रिंग आयो फंक्शन एफ गेटर्स के थ्रू इस पूरी फाइल के अंदर जो स्ट्रिंग की सूरत में डाटा को रीड करेंगे, यानी मल्टीपल कैरेक्टर्स को एक साथ रीड करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों आप सबसे पहले एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि जो डाटा, जो स्ट्रिंग आपके पास फाइल में से आएगा उसको आपको कहीं ना कहीं स्टोर करवाना होगा और ताकि आप उसको आगे यूज भी कर सकें। उसके बाद आप एक फाइल पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे। तो याद रखिए दोस्तों जब कभी भी आप फाइल हैंडलिंग का कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके लिए आपको 3 काम करने जरूरी हैं, फाइल पॉइंटर डिक्लेयर करना, फाइल को एफ ओपन फंक्शन के थ्रू ओपन करना, और ओपन करने का मकसद ये है कि फाइल को आप रैम में लेकर आएंगे, उसके बाद आप उसको एफ पी को असाइन कर देंगे। तो अब ये फाइल पॉइंटर दरअसल पॉइंट करेगा आपकी फाइल को इस स्टेटमेंट के थ्रू। इसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पर लिखा है इफ एफ पी इक्वल टू नल। तो दोस्तों ये हम कब लिखेंगे, जब कभी भी हम फाइल को रीड करना चाहेंगे। यहाँ पर आपने आर मोड लिखा है, तो अगर ये आपकी maktab.txt फाइल मौजूद नहीं होगी तो फिर आपका एफ ओपन फंक्शन नल रिटर्न करेगा, जिसकी वजह से एफ पी के अंदर भी नल आ जाएगा। लेकिन अगर आप गौर करें तो अभी हमारे पास ये maktab.txt जो फाइल है ये मौजूद है, तो अब ये एफ आपका जो इफ की कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी, आपका कंपाइलर अब इस स्टेटमेंट पर आ जाएगा एफ गेट एस के ऊपर। अब दोस्तों एफ गेट एस फंक्शन जो है उसके अंदर 3 पैरामीटर हम पास करवाते हैं, हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल जिसमें वो डाटा आ जाएगा जो कि आप रीड करना चाहते हैं, उसके बाद इंटीजर वैल्यू जो कि ये बताएगी कि आप एक वक्त में कितना डाटा रीड करना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों एक फाइल में तो हजारों कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन एक वक्त में आप कितना डाटा रीड करना चाहते हैं ये आप करेंगे इस एफ गेटर्स फंक्शन के थ्रू, इस इन वैल्यू के थ्रू आप कंपाइलर को बताएंगे। और आखिर में आप बताएंगे फाइल पॉइंटर को, जिसके अंदर जो कि पॉइंट कर रहा है उस फाइल को जिसमें से आप डाटा रीड करना चाहते हैं। तो दोस्तों अब इस फंक्शन को दोस्तों आइए अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपकी मकतब की फाइल थी उसमें से ये 8 कैरेक्टर्स को रीड कर चुका है, यहाँ पर ये कैरेक्टर्स भी आ गए हैं। तो डिफरेंस इस तरह से आपका ये एफ गेट एस फंक्शन काम करता है। दोस्तों एफ गेट एस फंक्शन के बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है एफ पुट एस फंक्शन। दोस्तों एफ पुट एस फंक्शन फाइल में से स्ट्रिंग को राइट करने के लिए और स्ट्रिंग को डालने के लिए यूज किया जाता है। और दोस्तों ये इसका सिंटेक्स देखिए, आप सबसे पहले लिखेंगे एफ पुट एस, उसके बाद पैरेंथेसिस, उसके बाद पैरामीटर्स के अंदर स्ट्रिंग वेरिएबल कॉमा फाइल पॉइंटर,
और फाइल पॉइंटर के बाद पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे और आखिर में सेमीकॉलन लगा देंगे। तो दोस्तों एफ पुटेक्स फंक्शन क्योंकि फाइल में डाटा को राइट करने के लिए यूज होता है, इसीलिए इस फंक्शन को दो चीजें रिक्वायर्ड होंगी, वो स्ट्रिंग जो कि आप फाइल में राइट करवाना चाहते हैं और फाइल पॉइंटर। और दोस्तों यहाँ पर हमें स्ट्रिंग वेरिएबल क्यों रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि उस स्ट्रिंग को रखने के लिए जिसको आप राइट करवाना चाहते हैं हमें किसी स्ट्रिंग वेरिएबल को ही यूज करना होगा। तो यहाँ जो पहला पैरामीटर होगा एफ पुटेक्स फंक्शन का वो है ये स्ट्रिंग वेरिएबल, जिसमें आपने वो स्ट्रिंग वो डेटा रखा हुआ होगा जो आप फाइल पर राइट करवाना चाहते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स आपने स्ट्रिंग तो बता दिया, लेकिन आपको एफ पुटेक्स फंक्शन को ये भी तो बताना पड़ेगा कि किस फाइल पर आप डेटा को राइट करवाना चाहते हैं। और इसके लिए जो सेकंड पैरामीटर हम एफ पुटेक्स फंक्शन को देंगे वो होगा फाइल पॉइंटर, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि फाइल पॉइंटर उस फाइल को पॉइंट करता है जिस पर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं, जिसको आप डिस्क पर से लाना चाहते हैं। तो यहाँ पर सेकंड पैरामीटर आपका फाइल पॉइंटर होगा। तो डियर फ्रेंड्स ये आपने जान लिया कि एफ पुटेक्स फंक्शन किस तरह से काम करता है। अब आइए एक प्रोग्राम के थ्रू इसको मजीद अंडरस्टैंड करते हैं। दोस्तों क्या आपके सामने एक प्रोग्राम मौजूद है जिसके अंदर हमने सबसे पहले एक स्ट्रिंग वेरिएबल str डिक्लेयर किया है, उसके बाद हमने उसको डिफाइन किया है यानी उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवाई है, दिस इज माई न्यू फाइल। इसके बाद दोस्तों हमने फाइल पॉइंटर डिक्लेयर किया है, उसके बाद हमने फाइल को ओपन किया है। और एफ ओपन फंक्शन में हम दो चीजें देते हैं, उस फाइल का नाम जिस पर हम डाटा को राइट या रीड करवाना चाहते हैं, क्योंकि अभी हम डाटा को राइट करवाना चाहते हैं तो हमने एक फाइल दी है माई न्यू फाइल के नाम से, और क्योंकि हम राइट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर मोड में हमने W लिखा है। इसके बाद दोस्तों हमने एफ पुटेक्स फंक्शन लिखा है जिसके अंदर हमने दो पैरामीटर्स लिखे हैं str जो कि जिसके अंदर वो वैल्यू स्टोर है, वो डाटा स्टोर है जिसको आप इस फाइल के ऊपर राइट करवाना चाहते हैं, स्टोर करवाना चाहते हैं, और fp फंक्शन जो कि दरअसल पॉइंट कर रहा होगा इस फाइल को। तो इस तरह से आपको ये भी पता लग गया कि मेरे पास डाटा क्या है और ये भी पता लग गया कि किस फाइल पर मुझे ये डाटा डालना है। अब दोस्तों आप एफ पुटेक्स फंक्शन के थ्रू इस फाइल को क्लोज कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर आप गौर करें तो हमने जो स्ट्रिंग डिक्लेयर किया था, तो जिस तरह से आप स्ट्रिंग को डिक्लेयर करेंगे डिफाइन भी उसी तरह से करेंगे, यानी डिफाइन करते वक्त भी आप स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे और लिमिट लगाएंगे। दोस्तों इस तरह से एफ पुटेक्स फंक्शन के थ्रू आप किसी भी स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग डाटा को किसी भी फाइल के ऊपर राइट करवा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे लेक्चर का अख्तितम हुआ जिसमें हमने सीखा कि एफ गेट एस फंक्शन और एफ पुट एस फंक्शन जो कि स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट फंक्शन है वो किस तरह से काम करते हैं। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन का। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।